देवघर अनुमंडल पदाधिकारी ने जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी से बात की हमारे सहयोगी मनीष ने। मैं हमारे साथ एसडीएम है, सीधे बात करते हैं क्या। देखिए, ये बताना चाहेंगे कि ये देवघर का एकमात्र रीफिलिंग यूनिट है जिस स्थान पर हम खड़े हैं, और इसी स्थान से, इसी रीफिलिंग यूनिट से देवघर में भी सिलेंडर्स की सप्लाई होती है और बाकी संथाल क्षेत्र में भी इसी से सप्लाई होती है। करंटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो कोविड डेथ्स की है, और अधिकतर कोविड डेथ्स जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनको नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं है, अगर हम इसको ढंग से देखें प्रॉब्लम एक्चुअल में खाली सिलेंडर्स की हैं। खाली सिलेंडर्स हमारे पास बहुत कम मात्रा में हैं और बहुत ही लिमिटेड हमारे पास सिलेंडर्स हैं जिनको हमें सर्कुलेट करना होता है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो आज की तारीख तक जो यहाँ पे चल पा रहा था, मैन पावर की चूँकि लिमिटेशन थी तो प्लांट दिन तक ही कार्य कर पा रहा, दिन में ही काम कर रहे थे हम लोग। रात को 8-9 बजे प्लांट बंद हो जाता था और उसके बाद में सप्लाई नहीं होती थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बाबा मंदिर से हमने कुछ और कर्मी मंगवाए हैं और उनको यहाँ पर लगाया है। तो अभी रात में भी शिफ्ट हम चालू कर रहे हैं इसकी, तो जो सप्लाई है वो डबल हो जाएगी और जो प्रोडक्शन है, रिफिलिंग है, वो डबल हो जाएगी। तो उससे जो हॉस्पिटल्स में आपूर्ति है वो बहुत तेज़ी से हो पाएगी। 3 शिफ्ट में हम जो है सिलेंडर्स को भेजेंगे। पहली शिफ्ट होगी 9 बजे, दूसरी 3 बजे और तीसरी शिफ्ट होगी शाम को 8 बजे। तो इन 3 शिफ्टों में हम यहाँ से सिलेंडर भेजेंगे और भेजते वक्त हम जब उनको डिलीवर करेंगे तब खाली सिलेंडर भी हम सुनिश्चित करना, उनको लेना भी सुनिश्चित करेंगे। तो उससे लूप जो है इफेक्टिवली चल पाएगा। ये सबसे पहली बात, मैं देवघर वासियों से मेरी अपील है कि घरों में सिलेंडर को ना रखें, जो भी सिलेंडर्स हैं हमें यहाँ पे उपलब्ध कराए। हमने अभी रेड क्रॉस को भी सूचित किया है कि प्राइवेट में जिसके पास भी सिलेंडर हैं उनसे वो सिलेंडर अर्जित करके हमारे पास भिजवाएं, हम उनको भर के उनको वापस उपलब्ध करा देंगे, प्राइवेट कैपेसिटी नहीं। और आने वाले 1-2 दिनों में हम सिलेंडर्स खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे तो उसके बाद संभवतः है ये प्रॉब्लम सारी हट जाएगी, पैनिक सिचुएशन सारी हट जाएगी। ये पहल है देवघर जिला प्रशासन की। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष भारती इस वक्त।